अस्सलाम वालेकुम सऊदी इनफोज यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं आज की ये वीडियो बहुत ही नसीहत आमोज़ है उन तमाम अफराद के लिए जो सऊदी अरेबिया में मौजूद हैं और बैंक अकाउंट रखते हैं यकीनन जब आपके पास बैंक अकाउंट है तो फिर आप ए टी एम मशीन ज़रूर इस्तेमाल करते होंगे और दूसरी जानब पाकिस्तानी भाई ने ईमानदारी की एक मिसाल कायम कर दी ये पाकिस्तानी भाई हैं जो ए टी एम पर पहुँचते हैं और पहले से वहाँ पर मौजूद तीन हज़ार रयाल इनको वहाँ पर मिलते हैं वहाँ से तीन हज़ार रयाल उठाते हैं और उसके बाद ये तलाश शुरू करते हैं इसके असल मालिक की कहानी शुरू होती है असल यहाँ से कि तीन हज़ार रयाल मालिक तक पहुँचाने हैं लेकिन वो पहुँचाए कैसे जाएँ तो इन्होंने सबसे पहला जो काम किया करीब करीब जितने भी लोग थे वहाँ पर मौजूद पेट्रोल पंप इसके अलावा वहाँ पर किराना स्टोर और जितने भी आते जाते लोग थे उनसे से लेना शुरू की कि किसी के पैसे यहाँ पर गुम तो नहीं हुई है लेकिन उन्हें यहाँ पर कोई भी इतला नहीं मिलती उसके बाद एक मकामी सऊदी से बात की जाती है इस मौजू पर और फिर वो सऊदी भी साथ मिलता है और इनकी हेल्प करता है सबसे पहले मतलूबा बैंक को कॉल की जाती है और उस सारी सिचुएशन बताई जाती है लेकिन मतलूबा बैंक की जानब से कोई ख़ातिर खा उनको रास्ता नहीं दिखाया जाता उसके बाद फिर अपनी तगो दो में लगे रहते हैं और फिर तमाम अफ़राद जो करीब रिहाइश पजीर हैं या क़रीब ही कोई काम करते हैं तमाम लोगों को अपना मोबाइल नंबर दिया और जिसके भी ये पैसे हैं उसको मोबाइल नंबर दिया जाए ताकि वो रबता कर सके लेकिन इतफ़ाकान होता क्या है कि वो साहिब जो यहाँ पर एटीएम पर पैसे छोड़ के चले जाते हैं उनको जब घर पहुंचते हैं तो मोबाइल पे एक मैसेज रिसीव होता है और उस मैसेज में उनको पता चलता है कि तीन हज़ार रियाल उनके अकाउंट से कट चुके हैं उसके बाद वो उसी मकाम पर पहुंचते हैं और फिर वहाँ पर पता करते हैं तो इन भाई साहब के साथ रबता हो जाता है इतफ़ाक़ देखिए कि दोनों ही पाकिस्तानी थे माशाल्लाह जिसको पैसे मिलते हैं वो भी पाकिस्तानी है और जिसके यहाँ पर पैसे रह गए थे वो भी पाकिस्तानी है लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि जिस साहब को ये पैसे मिले हैं अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें ये नहीं पता था कि ये किस नेशनैलिटी का बंदा होगा किस मज़हब का बंदा होगा बल्कि वो बेताब थे वो इस चक्कर में थे कि जो भी है और जिसके भी ये पैसे हैं उस तक असल मालिक तक उसके पैसे पहुंचा दिया जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मालिक थे वो यहाँ पर पहुँच गए और आप लोगों के लिए भी ये नसीहत है अगर किसी भी किस्म का एटीएम पर आपको एरर आता है जब आप पासवर्ड एंटर कर चुके होते हैं अमाउंट एंटर कर चुके होते हैं और उसके बाद अगर पेमेंट वहाँ पे नहीं निकलती तो ज़्यादातर लोग यही समझकर चले जाते हैं कि शायद एटीएम के अंदर पैसे नहीं है एटीएम में किसी किस्म की कोई अमाउंट नहीं है इस वजह से यहाँ पर इसने हमें अमाउंट नहीं दी है और वो छोड़ के चले जाते हैं इन भाई साहब के साथ भी ऐसा ही हुआ ये समझ कर कि यहाँ पर जो ए है वो खाली है और उसके बाद घर पहुंचते हैं तो इनको ये मैसेज आता है शिरका अलराशिद में काम करने वाले ये भाई खुशकिस्मत हैं जिन्हें अपने टाइम पर ही इनकी अपनी अमाउंट मिल गई इसके बाद इनके अहामा की एक तस्वीर रखी जाती है इनकी एक शॉर्ट वीडियो बनाई जाती है ताकि सबूत के तौर पर अपने पास रहे तो आप भी जब भी एटीएम मशीन इस्तेमाल करें इस किस्म का कोई भी एरर अगर आपको आ जाता है स्पेशली पासवर्ड एंटर करने के बाद अमाउंट एंटर करने के बाद अगर कोई इस तरह का एरर आता है तो फिर आपको थोड़ा सा वहां पर इंतजार करना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तानी भाई ने पाकिस्तानी भाई का दिल जीत लिया अपनी में याद रखिएगा असल